जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेडियो ऑपरेटर का जो आपका एग्जाम है, जैसे 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप और साथ साथ हेड ऑपरेटर, तो तीनों वैकेंसी को टारगेट करके जो आपका फ्री टारगेट बैच चल रहा है आपका यूट्यूब पर निःशुल्क, तो इसकी जो क्लासेस है अब वो 2-3 दिन के लिए नहीं होंगी। आप सभी को पता है त्योहार है, मैं और सभी अध्यापक गण जो है सभी घर पर हैं, ठीक है। तो आप भी अपने अच्छे से त्योहार मनाइए। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूं, वैसे एक जो बेरोजगार स्टूडेंट होता है, मतलब जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता है, तो उसके लिए कोई दिवाली भी त्योहार ज्यादा खास नहीं रहेगा। तो मैं आप सभी को ये, मतलब ये नहीं कि आप इसको नेगेटिव लेंगे, सर क्यों नहीं, हमारा तो त्योहार रहेगा। तो मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों कि जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी और आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, तो उसी दिन आपकी दिवाली होगी। तो ये आप महसूस करेंगे उस दिन, जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप एक दिया जरूर जलाएं और उस दिए के साथ ये प्रॉमिस करें अपने आप से कि मुझे जो नेक्स्ट दिवाली है, ये तो दिवाली आपकी जा रही है कि आपको नौकरी नहीं मिली है, तो आप ये अपने आप में कसम खाइए और इस तरीके से एक दिया जलाइए कि मुझे जो आने वाली नेक्स्ट दिवाली है, इस तक मुझे 100% जो भी मेरा एग्जाम आएगा मैं उसको क्वालिफाई करूंगा। इस तरीके से, मतलब शिद्दत के साथ आप लोगों को मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो, जैसे कि अगर हम किसी भी एग्जाम को देखते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की बात कर लेते हैं, तो उस समय आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ग्रुप डी की परीक्षा दी थी, जो 2019 में फॉर्म आए थे, अभी वो वैकेंसी कंप्लीट हुई है, उसका मतलब ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, ज्वाइनिंग भी होना स्टार्ट हो गई है। तो उसमें क्या है कि 1 लाख से अधिक पद थे जो स्टूडेंट सेलेक्ट होने थे, लेकिन दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब फॉर्म तो बहुत ज्यादा भरे गए थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो जिनको वास्तव में नौकरी की नीड थी और सिलेक्शन लेना चाहते थे, लेकिन वो एग्जाम डेट के बारे में बार बार सोचते सोचते और इधर इधर वीडियो देखते देखते और टाइम वेस्ट उन्होंने कर दिया और एग्जाम डेट आ गई और एग्जाम हो गया, वो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जैसे आप रेडियो ऑपरेटर का जो आपका एग्जाम है, मतलब रेडियो विभाग में जो वैकेंसी है, या इसी के साथ साथ अगर आप आने वाली वैकेंसी यूपी कांस्टेबल या एसआई को भी देखते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप जिस एग्जाम में बैठे आप उसमें सफल ना हो, और आप सफल हो सकते हैं दोस्तों। ये जो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं और ये कंपटीशन की एक दौड़ है, इस दौड़ में वही जीतेगा जो सबसे आगे आएगा। तो अब आप लोगों को खुद सोचना है कि जैसे 5,39,800 कुछ फॉर्म है, मतलब 5,39,000 प्लस है, उनमें से आपको खुद सोचना है कि 2,430 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो आपको इतनी भीड़ में से यहां आना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। अगर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मैं अगर बात करता हूं किसी भी सब्जेक्ट की, तो यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़कर भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से आपको क्लासेस मिल रही हैं यूट्यूब पर कि आपको शायद ही कहीं पेड कोर्स में देखने के लिए मिले इस तरीके से, और ये बैच निशुल्क है और इसके बैच के पीछे ना हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगी हुई है। तो आप सभी ना अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। अब 2-3 दिन आपकी क्लासेस नहीं होगी, लेकिन मैं और जितने भी हमारे अध्यापक गण हैं, सभी टीचर्स, हम आपसे बीच बीच में कनेक्ट होंगे, वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कनेक्ट होंगे, या फिर कुछ हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके आपको देंगे। तो आप सभी को जुड़े रहना है, बने रहना है दोस्तों। अगेन आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, दिवाली आपकी उस दिन अच्छे से मनेगी जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइन लेटर होगा, और आप इस बात को फील करेंगे उस दिन जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और बेरोजगार स्टूडेंट का, अगर कोई स्टूडेंट है और वो बेरोजगार है और साथ साथ वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, तो जब वो गांव जाता है, अगर आप कहीं बाहर रहकर तैयारी करते हैं, तो आप गांव से, अगर मतलब शहर से अगर गांव जाते हैं जब तैयारी करने वाला स्टूडेंट छुट्टियों में जब जाता है, तो और जो उसके साथी हैं वो जॉब कर रहे हैं और वो भी लेकर आते हैं, तो उसको और ज्यादा, मतलब उसको और ज्यादा फील होता है, वो सोचता है कि मतलब मेरे पास अभी जॉब नहीं है तो मुझे कोई त्यौहार अच्छा नहीं लग रहा है। ये फीलिंग आपको आती होगी जरूर, अवश्य, मैं आप सभी को बता रहा हूं। और जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी ना, और फिर आपको ना एक अलग ही फीलिंग आने वाली है, और उस जिस दिन आपकी जॉब लगेगी तो उस दिन आपकी दिवाली होगी, ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ आप सभी को ना बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, जिस भी आप विभाग की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करिए, पूरे शिद्दत के साथ करिए। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं या जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, ये बहाना बिल्कुल मत लीजिए कि सर एग्जाम हमारा नहीं हो रहा है, अभी हमारा एग्जाम नहीं होगा इतने दिन तक, तो वो छोड़ दीजिए आप, एग्जाम भी होगा और सिलेक्शन भी होगा। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनमें आप एग्जाम का डेट का इंतजार करते करते आप उस एग्जाम में फेल हो गए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी रेडियो ऑपरेटर वाला जो एग्जाम है, और इतना अच्छा मौका है, इतनी अच्छी नौकरी है, कि
कि अगर आप कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल को देखते हैं सिविल पुलिस को और इसमें भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप मन लगाकर इसकी तैयारी अगर अभी से भी कर सकते हैं ना तो आप सफल हो जाएंगे अवश्य। ठीक है, तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं हैं भाई पूरी एचडी एम्पायर टीम की तरफ से, और मैं यही आशा करता हूं और मैं क्या पूरी टीम मिलकर दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करेगी और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आने वाली दिवाली होगी ना आप हमारे साथ जुड़िए, मेहनत करिए और बिल्कुल आप अवश्य एक जॉब के साथ मनाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट के लिए। ये जो 3-4 दिन का समय है हमें इसमें भी तैयारी करनी है क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और बहुत सारे अब देखिए बहुत सारा माहौल ऐसे चलेगा कि शादियां चल रही हैं इधर उधर कि सर वहां शादी है, ये शादी है, उसकी शादी है। तो अगर आप शादियों में भी जाएंगे ना तो आप अगर खाना खा रहे होंगे शादियों में भी तो बराबर वाला आपसे आगे पूछेगा, उसको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो आपसे पूछेगा कि क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से कि मतलब आपको ना एक अंदर से फीलिंग आएगी। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। जो लोग हैं जो चाहते हैं आपको नाकामयाब देखना, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो बार बार आपसे पूछ रहे हैं लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना उस दिन आपसे गांव का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि भाई तेरा नंबर आया नहीं आया। ठीक है, और अगर आपका नंबर नहीं आया ना किसी भी वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं तो आपसे जरूर पूछेंगे क्यों नहीं आया भाई आपका नंबर, इस तरीके से। तो आपको ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए और आपके जो पेरेंट्स हैं आप पर इतना विश्वास वो करते हैं और आपने इतनी पढ़ाई अगर अभी तक कर ली है तो ये बिल्कुल पीक समय चल रहा है, तो बहुत अच्छे से आप अभी भी तैयारी अपनी जारी रखिए। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ करिए, मेहनत करिए, अच्छे से करिए। अगर हमारे चैनल पर अच्छी क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो आप स्वयं करिए, जहां अच्छी मिलती है वहां से क्लासेस करिए, लेकिन ये जो मौका अभी चल रहा है ना ये बाद में फिर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात के साथ अगेन आपको हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। बीच बीच में हम सभी टीचर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, तो आप भी अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से अपना त्यौहार